हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटनी जो कि चाट में इस्तेमाल होती है। इसके लिए मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च और इमली लिया है। इमली को मैंने पानी में भिगा दिया है, इसका हमें पल्प निकालना है। लाल मिर्च को भी मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था, इससे इसका तीखापन कम हो जाता है और ये फूल जाता है, फिर हम इसकी चटनी बनाते हैं। हरी मिर्च ये बहुत कम तीखी मिर्च है, ज़्यादा तीखा हो तो आप कम लीजिए। अब ये देखिए, मसालों में चॉप्ड कोरिएंडर है यानी धनिया, लहसुन, अदरक, वो कॉर्न स्टार्च है, चटनी का गाढ़ा बनाने का काम आता है। ये नमक, काला नमक, हींग, जीरा और गुड़, और ये नींबू। सबसे पहले हम बनाएंगे लाल चटनी, जो लहसुन मिर्च वाली चटनी होती है। ये देखिए, मैंने इसमें मिर्च डाल दिया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे 5 कली, अदरक छोटा टुकड़ा, नींबू निचोड़ देंगे इसमें, नींबू के बाद ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है, नॉर्मल नमक आधा छोटा चम्मच, काला नमक और थोड़ा सा पानी। पानी आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, कितना आपको गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ले डाल दीजिए। ये मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है। ये देखिए, ये रेड चटनी जो लहसुन मिर्च वाली चटनी होती है जो चाट में इस्तेमाल होता है, वो तैयार है। ये देखिए, मैं इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रखती हूँ। अब हम बनाएंगे हरी चटनी। ये लहसुन मिर्च वाली चटनी होती है, तीखी होती है, ये भी चाट में डालते हैं। इसमें के लिए हम हरी मिर्च को देखिए जार में डाल लिए हैं, 1 लहसुन जाएगा इसमें, अदरक 2 टुकड़े, थोड़ा हरा धनिया, नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच। अब इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे, ये गया नींबू का रस भी। ये चटनी चाट में बिल्कुल जान डाल देती है। थोड़ा पानी मिला लेंगे। अब इसे हम भी ग्राइंड कर लेंगे, इसे भी। ये देखिए, हरी चटनी भी तैयार है जो लहसुन मिर्च वाली है, तीखी चटनी। ये देखिए, 2 चटनी तैयार। अब बारी है इमली के चटनी की। ये सारी चटनी जो है चाट में इस्तेमाल होती है। इसके लिए मैंने जार में 3 अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 2 लहसुन की कली, थोड़ा सा जीरा 2 चुटकी, थोड़ा पानी, और अब हम इसे ग्राइंड कर देंगे। ये मसाला है चटनी में डालने के लिए। जीरा पाउडर की जगह हम इसको ऐसे पीस के डालेंगे। इमली का पल्प हम निकाल लेंगे ऐसे स्पून से दबा के, आपकी मर्जी, आप जैसे भी निकालिए। ये देखिए, ये मैंने इसको छान लिया था। एक पैन में तेल लेंगे लगभग 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। उसमें हम हींग का तड़का लगा देंगे, जो हमने मसाले पीसे थे अब हम उसमें इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसमें अब गया इमली का पानी। हाफ स्पून काला नमक और 1/4 चम्मच सफेद नमक, गुड़ डाल देंगे। आप चीनी भी डाल सकते हो गुड़ की जगह। गुड़ की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए। ये लाल मिर्च वाली पेस्ट, लाल मिर्च और लहसुन का जो चटनी बनाया था ना हमने, वो पेस्ट। मिर्च पाउडर की जगह हम वही डालेंगे।
ये कॉर्न स्टार्च का घोल बनाया मैंने। इसको डालने से जो चटनी है वो गाढ़ी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद है तो मैंने मीडियम डाला है। आपको ज़्यादा अगर गाढ़ा पसंद हो तो आप कॉर्न स्टार्च का मात्रा बढ़ा दीजिएगा। इसको हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर उबालेंगे और अब ये चटनी तैयार है। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और वीडियोस देखने हो और रेसिपीज़ देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।